श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, आपका अपना पारिवारिक सदस्य, आपके लिए धर्म की नई नई बातें बताने वाला आपका साथी। सबसे पहले हम लोग इस माह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या करें और क्या ना करें। नवंबर 2019 में धनु राशि के जो जातक जातिका हैं वो क्या करें और क्या ना करें, हम इन चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। इस माह बहुत सुंदर परिवर्तन आपके लिए हुआ है। 4 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के अंतर्गत हुआ है। अभी तक सिर्फ शनि और केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे थे, जो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी पैदा कर रहे थे, बहुत क्रोध पैदा कर रहे थे, कोई भी कार्य समय पर संपूर्ण नहीं हो रहा था। लेकिन बृहस्पति की राशि में आ जाने पर जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपके अंदर क्रिएट हो गई हैं और अब आपके कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। 4 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन धनु राशि के अंतर्गत हो चुका है। 21 तारीख को शुक्र का जो परिवर्तन है, 21 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन धनु राशि के अंतर्गत हो जाएगा। 16 तारीख को सूर्य परिवर्तित करके आपके राशि से द्वादश भाव यानी वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब क्या करना चाहिए और क्या इस माह नहीं करना चाहिए। सबसे पहले झूठ बोलने से आपको इस माह बचना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयास करना है जरूर करें। रोग बहुत दिन से चल रहा है, उसके निवारण के लिए डॉक्टर इत्यादि से परामर्श लेना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। खासकर कई सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। इस माह एक नए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इस माह नए डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपकी बीमारी का निश्चित रूप से पता चलेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बीमारी से छुटकारा भी प्राप्त होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। धन से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो इस माह जरूर करें, आपके लिए अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या भूमि वाहन बेचना इत्यादि चाहते हैं, या भूमि वाहन इत्यादि से व्यापार प्रारंभ संबंधित व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, जरूर करें, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। भूमि वाहन से संबंधित कोई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, जरूर करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। एजुकेशन से किसी प्रकार का लाभ लेना है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, प्लेसमेंट इत्यादि नहीं हो पा रही है, नौकरी इत्यादि नहीं प्राप्त हो पा रही है, इस माह वो प्रयास करना है कि हमें नौकरी प्राप्त हो जाए, तो जरूर उसके लिए प्रयास करें, आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, इस माह फ्यूचर प्लानिंग जरूर करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, इस माह उसके लिए जरूर प्रयास करें। पॉलिटिकल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, पॉलिटिकल लोगों का बहुत अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा और आप उसमें एक अच्छे रिजल्ट को अचीव कर जाएंगे, लेकिन ये प्रयास 16 तारीख से पहले आपको करना होगा। व्यापार का जो आदान प्रदान है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाहते हैं तो जरूर इस माह उसके लिए प्रयास करें, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वर्थ प्लेस से स्टार्ट करके व्यापार को विदेशों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप उसके लिए जरूर प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। मीडिया क्षेत्र में हैं, कोई अपना बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, बड़ी योजना बना रहे हैं, उस योजनाओं को एक पूर्ण रूप जो देना है उसके लिए इस माह जरूर प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। बड़े भाई इत्यादि के सहयोग से कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, जरूर प्रयास करें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अब बात करेंगे ऐसी क्या चीज है जिसको हमें इस माह नहीं करना चाहिए। तेज गति से वाहन बिल्कुल इस माह नहीं चलाना चाहिए, उससे पूरी तरह से नुकसान होने का योग है। इस माह आपको जीवन साथी से किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की आवश्यकता है। जीवन साथी से विवाद करेंगे तो निश्चित रूप से संबंधों में बहुत प्रतिकूलता उत्पन्न होने वाली है। इस माह मित्रों से किसी प्रकार से सहयोग की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, ना तो मित्रों का धन से किसी प्रकार का सहयोग करें, ना उनसे सहयोग लेने का प्रयास करें, दोनों चीज़ें ही आपको नुकसान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, इस माह बिल्कुल प्रयास ना करें, उसके लिए किया गया प्रयास असफलता देने वाला होगा।
विदेश यात्रा के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं, इस माह ना करें। इस माह किया गया प्रयास आपको असफलता प्रदान करने वाला होगा। इस माह में दिक्कतें जरूर आपके साथ होने वाली हैं। तो जो चीज़ें बताई हैं करने के लिए उसको करें, जो नहीं करने के लिए बताया है उसको ना करें, और अगर कोई चीज़ रह गई है जो करना है, मान लिया जो नहीं करना है वो बताया है और फिर भी करना पड़ रहा है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करने के बाद ही कोई कार्य करें, ताकि आपको असफलता ना प्राप्त हो, आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएं। कोई और विचार रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, विशेष जानना चाहते हैं, सुबह 8 से लेकर के शाम को 4:30 बजे के मध्य में संस्थान में कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई सिद्धरत्न या रुद्राक्ष इत्यादि भी प्राप्त करना है तो संस्थान में कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम।